और बड़ा टेढ़ा हो गया छोटा, और अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई कह ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मतलब जो चुनावी माहौल इस वक्त जो चल रहा है छबरा मुंह में नगर पालिका में 25 वार्ड से सजाइए नगर पालिका, लगभग 60,000 वोटर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किसी एक चेयरमैन को चुनेंगे, लेकिन पार्टियां बहुत सी मैदान में, क्या कमल खिलेगा या हाथी अपनी मदमस चाल से रौंद देगा या साइकिल चलेगी या पंजा चलेगा या निर्दलीय बाजी मार सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन फाइट कर सकता है? देखो खिलेगा तो कमल ही, लास्ट में आना तो कमल को ही है, तो जब आदमी वोट देने जाता है विचार ज्यादा बदल जाती है। अच्छा कमल खिलेगा आपका कहना है, लेकिन फाइट कमल किससे कर रहा है यहाँ पर, उसका कुछ आइडिया है? फाइट सपा से ही, सपा से होगी। आपका कहना है मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा, यानी कि कमल और साइकिल में टक्कर होगी। छबरा मऊ नगर पालिका में और भी मतदाता हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या लगता है सपा और भाजपा की टक्कर, सपा भाजपा की टक्कर होगी, कौन फाइट कर सकता है यहाँ पर? फर्स्ट तो बराबर दोनों की लड़ाई है, बसपा की और बीजेपी। अच्छा बसपा और बीजेपी की, बीजेपी। एक बार बता दें कि अभी तक लोगों ने सपा को और बीजेपी की बात की है, अभी भाई साहब ने बताया कि हाथी भी रोल सकता है, हाथी भी अच्छी चाल चल रहा है। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा चुनावी माहौल है। कुछ लोग कह रहे हैं कमल खिल सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल भाग सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी भी अपनी चाल से लोगों को रोल सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी फाइट कर रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो नसीब खेल है भाई, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी सब लोग जो हैं अपने अपने उसमें लगे हैं दौड़ भाग में, अभी क्लियर नहीं हो सकता। अच्छा पार्टियां जो चुनावी मैदान में, कौन सी पार्टी फाइट कर रही है, आपको तो क्या लगता है? ये समय भैया जिसकी आई वो भाजपा ही है, या फिर जो काम करेगा उसकी है, नगर में जो भी काम अच्छा करेगा उसकी है। और भी लोग हमारे साथ में हैं, विकास यहाँ पर क्या है? विकास तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में जो विकास हो रहा है वही विकास ही है, नगर में भी हो रहा है। इस तरह निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा पावरफुल है, निर्दलीय ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी भी बहुत अच्छी चाल चल रहा है, साइकिल भी भाग सकती है, क्या कमल भी खेल सकता है, क्या लगता है? सबसे ज़्यादा प्रत्याशी निर्दलीय में राजीव दुबे हैं, राजीव दुबे जी। अच्छा राजीव दुबे जी पिछली बार चेयरमैन रहे हैं छबरा नगर पालिका के, इस बार क्या हुआ उन्हें टिकट क्यों नहीं दी पार्टी? ये क्या लगता तो है? यहाँ पर हमारे जो विधायक जी हैं उनका प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि राजीव टिकट नहीं मिलेगी, राजीव टिकट नहीं मिलेगी, उनका ही पूरा कह। अच्छा यही कारण रहा, मेन कारण रहेगा, क्योंकि हमने अंदाज किया अभी तक जितने भी प्रत्याशी विनर प्रत्याशी हैं टिकट नहीं कटी गई है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी टिकट काटी गई है, फिर उसकी वजह जो है उसके बावजूद भी आज की तारीख में राजीव सबसे आगे प्रेजेंट है, उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छी चीज़ें हैं और सभी साथ मिलकर चलने वाला व्यक्ति है। लगातार निर्दलीय प्रत्याशी भी फाइट कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, बात करा रहे हैं, तार भाइयों से भी बात कर रहे हैं, लगातार छबरामों के जो मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। छबरामों के मतदाता सर, अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है सपा बसपा भाजपा या कांग्रेस या निर्दलीय, क्या लगता है आपको फाइट किसके बीच में होने हो सकती है? कमल साइकिल होगी, लगातार पीछे से आ रहे हैं हर आदमी, अभी तक जितने लोगों से बात की है कमल और साइकिल की टक्कर बताई जा रही है। और भी साथ भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, चुनावी माहौल है, क्या आपको क्या लगता है कौन फाइट में है और टक्कर किससे होगी? साइकिल से, सपा और भाजपा की टक्कर है, क्या लगता है कि किस किस की फाइट लग रही है आपको? साइकिल कमल की लग रही है। अच्छा एक बात बताइए कि जो कमल में जो पिछले विनर कैंडिडेट थे कमल के राजीव दुबे जी, इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपको क्या लगता है, क्या उसको वजह नहीं थी? आप यहाँ के वोटर हैं, मतदाता हैं? नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको उन्होंने लिया, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया जो विनर कैंडिडेट भाजपा से पिछली बार थे उन्होंने खुद निर्दलीय प्रत्याशी बन के मैदान में उतारे, उन्होंने सम्मान इसमें सम्मान नहीं होता, सम्मान नहीं दिया, उनको उनकी कुछ टिकटें रही होंगी जो उन्होंने लगा नहीं पूरी होंगी, इसके द्वारा क्या मन कहता आपका? अच्छा अच्छा और टक्कर किससे है? टक्कर है साइकिल से होगी, यही की वोटर है, आप यही वोटर हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं, बात कर रहे हैं लगातार, यहाँ के वोटर हैं।
अच्छा जो चुनावी माहौल है इस वक्त छिबरामऊ नगर पालिका का, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है? भाजपा सपा की टक्कर है। भाजपा सपा की टक्कर होगी जी। अच्छा विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जो पिछले कार्यकाल बीते कार्यकाल जो हुए हैं और जो विकास हुआ है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेहतर रहा है कि कार्यकाल पिछला है या ठीक ठाक रहा? बेहतर रहा है, बेहतर रहा है। सपा और भाजपा की टक्कर है, आप यहीं पर वोट नहीं बताता है आप लोग नहीं, आप यही मतदाता यही का मतदाता है, आप यही नगर नगर पालिका का मतदाता है। जो चुनावी माहौल चल रहा है, जो सपा भाजपा बसपा त्रिकोणीय मुकाबला कुछ लोग बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? और भी लोग यहाँ पर हैं, नगर पालिका को उठ रहे हैं, आप क्या लगता है आपको, आपका दिमाग क्या कहता है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल क्या है, सपा और बसपा का माहौल है। सपा भाजपा की टक्कर होगी, आप नहीं क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? सपा भाजपा की टक्कर, सपा भाजपा की टक्कर सीधी, लगातार लोग बता रहे हैं कि सपा और भाजपा की टक्कर बता रहे हैं, यानी कि साइकिल और कमल में टक्कर है। पालिका के और एक और मतदाता हमारे साथ में है, जोगिंदर भाई हैं, जो इस वक्त चुनावी माहौल है क्या लगता है, किसकी टक्कर लग रही है आपका? काम कैसा चल रहा है ये बताइए। मेरा काम बिल्कुल मस्त है। आपको चल रहा है? बारिश है, बारिश के मौसम में मान लीजिए, देखा नहीं है, देखा है। लगातार नगर पालिका के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, सर नगर पालिका के मतदाता है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है कौन फाइट कर सकता है यहाँ पर? फर्स्ट तो बराबर दोनों की लड़ाई है, बसपा की और बीजेपी। अच्छा बसपा और बीजेपी की, बीजेपी। एक बार बता दें कि अभी तक लोगों ने सपा को और बीजेपी की बात की है, अभी भाई साहब ने बताया कि हाथी भी रोल सकता है, हाथी भी अच्छी चाल चल रहा है। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चाल, हाथी भी बेहतरीन चाल चल रहा है कहना है, और हम और भी लोगों के साथ बात करेंगे। सर क्या क्या लगता है? यस सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबका समर्थन है, हम किसी की नहीं कहें। आप मतदाता भाजपा की टक्कर है, मेरे हिसाब से इस टाइम बंटी भैया आगे चलते हैं, बंटी भैया आगे, बंटी भैया के द्वारा आसान मुझे नहीं। अच्छा, और जो माहौल जो है त्रिकोणीय मुकाबला कुछ लोग बता रहे हैं, सपा बसपा और भाजपा का मुकाबला बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं निर्दलीय भी बाजी मार रहे हैं, आपको क्या लगता है, निर्दलीय भी ऐसा कर सकते हैं? निर्दलीय नहीं, इसमें सिर्फ भाजपा और सपा।